आजादी डिजिटल न्यूज पर शाहनवाज बलोच आपको खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पीटीआई के लॉन्ग मार्च, मुज़ाकरात, अली अमीन गंडापुरी की मुबैना ऑडियो लीक, और दूसरा ये मामला है कि मुज़ाकरात बंद गली में दाखिल हो गए हैं। अब इत्तला दिए हैं कि वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद को मुकम्मल सील करने की मनसूबा बंदी तैयार कर ली है और एक कमेटी हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई है जो मार्च के ऊपर नजर रखेगी। अमनोमान की सूरत तैयार हो या दीगर मामला तो उस पर नजर रखेगी, लेकिन पहले ये कहा जा रहा था कि कमेटी तश्कील दी गई है जो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करेगी, लेकिन दोनों जानिब से हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात के हवाले से कोई बातचीत के हवाले से तरदीद की जा रही है। अलबत्ता मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, उन्होंने कहा कि एक दोस्त की तवस्सत से इमरान खान ने बातचीत की पेशकश की, उसमें उन्होंने दो नुकात रखे कि आर्मी चीफ की तैनाती और इलेक्शन की तारीख, इस पर उन्होंने बात की, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने इनकार किया। इस पर भी जाहिर सी बात है, सियासतदान कोई भी हो वो उसकी तस्दीक नहीं करता बल्कि तरदीद करता है। इमरान खान ने ये भी कहा कि मैंने ना तो पहले कभी इस्टेब्लिशमेंट से बात की है और ना ही अब करूँगा, हालांकि माजी गवाह है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करते आए हैं और उसके तालुकात कैसे रहे, इसी पर हम तजिया लेंगे। सही सरबाजी का किस किस तरह बेचारे के लॉन्ग मार्च अपनी मंजिल की जाने को बहुत हवा है, लाहौर से जो निकल रहा है लॉन्ग मार्च इस तरह आगे जा रहा है, आप बताइए कि ये इस बात पर कितनी सदाकत है कि इमरान खान मार्च छोड़कर कुछ अहम शख्सियात से मुलाकात करने गए थे और उस मुलाकात के हवाले से आप क्या समझते हैं कि सियासी लोग क्या कह सकते हैं? देखिए, ये जो बात थी कि कल सारे जो है मीडिया में और आज बड़े हुए अखबारों की शेयर सुर्खियों में ये बात थी कि लोग गैस कर रहे हैं कि इमरान खान अचानक मैं कैसे, तो अभी उम्मीद के में उन्होंने जलसे से खिताब किया, उसमें वो सारी चीज़ों की उसने तरदीद की, उसने कहा कि हमें सिक्योरिटी रीजन पे रात को मुनरक करने के लिए मुआयनत कर दी गई है, तो हमारे लोगों के रात को हम सफ़र नहीं करेंगे, तो इसलिए जो है कि वो लाहौर नजदीक था तो मैं वहाँ चला गया था और उसने वहाँ आया और उसने दो तीन बातें और की थी। उन्होंने ये भी कहा कि कल जो इस तरह से शहबाज शरीफ ने दावा किया था कि बिजनेस पार्टनर ने इमरान खान के और मेरे दोस्त थे, उन्होंने दो चीज़ें बात की थी, कुछ उन्होंने एक पेशकश ये की थी कि कुछ तीन नाम आप दे, तीन नाम मैं दे तो अच्छी थी उसकी आर्मी चीफ के लिए, और जैसे कह रहे हैं मैंने आउट राइटली ये सारी चीज़ें जो है रिजेक्ट कर, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान ने तमाम तक शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर की दावों की तकदीर की, उसने ये कहा कि मैं जो आपको जो आप जिनके इशारों पर चलते हो मैं उनसे बात करूँगा, आपके पास है क्या जो मैं आपसे बात करूँगा आज उसके लिए, तो यहाँ पर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने का सिलसिला जारी है। अब ये ऊँट किस करवट बदलेगा, ये तो सारी चीज़ें हो रही है, वो गया इससे मुलाकात की, वो कह रहे हैं मैंने नहीं की, अभी तक कोई चीज़ जो है सामने नहीं आई, लेकिन जो डेवलपमेंट हुई है इस वक्त मेरी एक बड़ी बहुत पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन से बात हुई, वो कह रहे हैं कि इस वक्त वहाँ एक एक्सक्लूसिव सूरत हाल है मुल्क की और सारा जो है कारोबार जो है ठप पड़ा हुआ है, लोग जो है बिल्कुल असला नहीं देख रहे कि होगा क्या इस लॉन्ग मार्च का, तो एक बेयकीनी की कैफियत हुई है कि इसमें लोग सच्चे का भी इजहार कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता जो है ये इस तरह से आपने कहा कि रेड जोन भी उन्होंने बढ़ा दिया इस्लामाबाद तक के और ये इस्लामाबाद से आ रही है, मेरे दोस्त से बात की इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत से ही बाकायदा सवाल जरूरी रखा सनाउल्ला ने बाकायदा तौर पर ये बतौर कि वफाकी हुकूमत ने मुकम्मल तैयारी करनी थी इस्लामाबाद तक उन्हें पोस्टिंग दे रहे हैं, इससे भी वो वायलेट कर सकते हैं, अब यही कह रहे थे कि अगर अब ये सारी चीज़ें वो अपने वादों से गॉड कट रही है, उन्हें मकाम बिल्कुल दिया था कि आप यहाँ पर वो ये खुले, अब ये जो है बहुत ही खतरनाक और कश्मीरपुरी के उस मुबैया ना आ रही के बाद देखिए इस टाइम पर आ रहे हैं, अब जो ये देखिए
ये सारी बातें डिस्कस हो रही है, असली की भी बात हो रही है, लोगों की भी बात हो रही है, और उस पर ज़ाहिर है हुकूमत की अपनी इंटेलिजेंस भी होगी जो उनको जो है मशवरा दे रही होगी कि यार उनको करना क्या है। मसला ये है कि इस वक्त सूरत हाल जो है, अगर इमरान खान इसी तरह डटे रहे और वहाँ वो कह रहे हैं कि बातचीत नहीं चल रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। उस पर हमने देखा, और इमरान खान पीटीआई को हमने देखा है, फिर भी पीटीएम की हुकूमत के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो बातचीत के जरिए भी जरूरत है उनका, लेकिन इमरान खान तो कहता है कि मैं क्यों बात करूँ। तो ये जो सूरत हाल है इस पर समझ में नहीं आ रहा कि जो है लॉन्ग मार्च क्या होगा, उसका उसकी जो मंजिल है वो पहुँचेगी वहाँ पर, खुदा ना खास्ता कोई बड़ा वाकया भी हो सकता है इस बड़े वाकये के बाद जो है। अब देखिए ये जो असल में जाएगी, या फिर इस ये पुरानी तरफ में काम करेगी,
एक कुछ चीज़ों पे जाके एग्री हो जाए कि जब देखेंगे कि आगे चल के जो है। लेकिन अभी जो अब इस सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने भी दो स्मॉल बाजारी को अरेस्ट किया है, तो ये बहुत ही बोला और एक्सक्लूसिव सूरत हाल बन गई है कि आजम स्वामी के बाद, शहबाज गिल के बाद पंजाब हुकूमत भी इनके पास है। उन्होंने पुराने केस में जो है एंटी स्टैब्लिशमेंट ने पंजाब की दो स्मॉल बाजारी जो है पीटीआई के थे उनको भी एक इंतकामी कार्रवाई जाएगा, ये आइंदा चंद रोज में वाजे हो जाएगा। जिस तरह ये मार्च अपने मंजिल की तरफ जा रहा है, जाहिर सी बात है आने वाले वक्त कुछ ना कुछ कोशिशें होंगी कि बातचीत हो, क्योंकि जिस तरह सही देखा कि मुल्क में मुआशी सूरत सबके सामने अगर सियासी इस्तेकाम
बरकरार नहीं रहता, अदम इस्तेहकाम रहेगा, तो यकीनन मुल्क में एक बहुत बड़ा बुरानी कैफियत पैदा होगा और इसमें सियासी पार्टियों का अहम रोल होगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी को पहल करना होगा। मुझे शाहबाज़ बलोच और सैयद सरफराज़ को अपने प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह